नेक्स्ट प्रॉब्लम इज सपोज दैट ए कॉमा बी कॉमा सी आर लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल प्रूव दैट ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस सी माइनस बी प्लस सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी माइनस सी इज लेस देन और इक्वल टू 3abc। सो हमें यहाँ पे ये प्रूव करना है। नाउ सॉल्यूशन, तो इसे कैसे प्रूव करेंगे? यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सपोज दैट ए कॉमा बी कॉमा सी आर लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल देन वी हैव टू प्रूव दिस वन। ओके, इसे प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर रीअरेंजमेंट इनइक्वालिटी यूज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम चेक करेंगे दिस इक्वेशन इज सिमेट्रिक और नॉट। ओके, सो वी हैव टू चेक दिस इक्वेशन इज सिमेट्रिक और नॉट। उसके लिए क्या करेंगे, हम ए की जगह बी पुट करेंगे, बी की जगह हम सी पुट करेंगे एंड सी की जगह हम ए पुट करेंगे। ओके, नाउ इफ यू पुट ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी एंड सी इक्वल टू ए इन दिस इक्वेशन, इफ यू गेट सेम इक्वेशन, यदि हमारे पास सेम इक्वेशन विल कम, देन वी कैन से दैट दिस इक्वेशन इज सिमेट्रिक। ओके, तो हम सिमेट्रिक चेक करते हैं। तो ए की जगह क्या पुट करें, बी, सो व्हाट विल कम, बी स्क्वायर इन ब्रैकेट इंस्टेड ऑफ बी व्हाट यू हैव टू पुट, सी, सी प्लस इंस्टेड ऑफ सी व्हाट यू हैव टू पुट, ए, सी प्लस ए इंस्टेड ऑफ ए व्हाट यू हैव टू पुट, बी, सो बी प्लस इंस्टेड ऑफ बी व्हाट यू हैव टू पुट, सी, सी स्क्वायर इन ब्रैकेट ए की जगह क्या पुट करेंगे, बी प्लस सी की जगह पुट करेंगे ए माइनस बी की जगह हम पुट करेंगे सी प्लस यहां पे सी की जगह क्या पुट करेंगे ए, सो व्हाट विल कम, ए स्क्वायर, ए की जगह क्या पुट करेंगे, बी, सो व्हाट विल कम, बी प्लस बी की जगह क्या पुट करेंगे, सी, सो प्लस सी माइनस सी की जगह क्या पुट करेंगे, ए, सो व्हाट विल कम, ए इज लेस देन इक्वल टू थ्री टाइम्स इंस्टेड ऑफ ए व्हाट यू हैव टू पुट, बी इंस्टेड ऑफ बी व्हाट यू हैव टू पुट, सी एंड इंस्टेड ऑफ सी व्हाट यू हैव टू पुट, ए। ओके, नाउ इफ यू चेक दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, ओके, हम दोनों इक्वेशन को चेक करते हैं। ओके, नाउ हियर दिस टर्म इज वी आर राइटिंग हियर बी स्क्वायर ए प्लस सी माइनस बी, ओके, एंड सी स्क्वायर प्लस इन टू बी प्लस ए माइनस सी, दिस वन बोथ आर सेम एंड सिमिलरली दिस टर्म बोथ आर सेम एंड दिस साइड इज व्हाट 3abc एंड हियर आल्सो 3abc। तो यहां से हम बोल सकते हैं बोथ इक्वेशन इज व्हाट सेम, तो हम बोल सकते हैं ये इक्वेशन क्या है, सिमेट्रिक इक्वेशन। ओके, जब ये इक्वेशन सिमेट्रिक है तो यहां पर हम बोल सकते हैं विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी। ओके, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम बोल सकते हैं यहां पे सी इज लेस देन और इक्वल टू बी, बी इज लेस देन इक्वल टू ए, दिस वी कैन से, यू कैन टेक एनी अदर आल्सो, यू कैन टेक C is greater than equal to B, P is greater than equal to E. Okay, because this equation is symmetric. Okay, so if you assume this one or if you assume this one, we will get same result. Okay, because this equation is symmetric. Okay, so we are taking this one. Okay, so from here we can say that A into sum of other side B plus C minus side E. This one is less than or equal to B into a plus c minus b, this one is less than or equal to c into a plus b minus c, this one is maximum. Okay, और हम इसे प्रूफ पहले ही कर चुके हैं, उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन वॉच द वीडियो एंड यू कैन अंडरस्टैंड दिस। नाउ हियर वी विल यूज रीअरेंजमेंट इनइक्वालिटीज, इक्वेशन वन इज व्हाट दिस वन, इक्वेशन टू इज व्हाट दिस वन, यूजिंग दीज टू इक्वेशन वी हैव टू प्रूव दिस वन। तो यहां पर क्या करेंगे, सी A is what maximum and this one is what minimum. So we are multiplying this one and this. So what will come? A square into B plus C minus A. Okay. So first equation maximum you are multiplying, second equation minimum. Okay. Plus B we are multiplying with this one. So what will come? B square into A plus C minus B. Plus this equation minimum is what C and this equation maximum is this one. So we are multiplying these two. So what will come? C square in bracket A plus B minus C. Okay. And we know that this side is always less than or equal to. Okay. अब हम क्या करें? इस equation को multiply करें permutation of this equation. Okay. So what we are doing? B we are multiplying this one. So क्या जाएगा? AB into B plus C minus A. So what will come? AB into B plus C minus A. This will come. Plus. Okay. C we are multiplying with B. So, क्या आ जाएगा? BC into A plus C minus B. BC into
ए प्लस सी माइनस बी प्लस ओके एंड ए वी आर मल्टीप्लाई दिस वन, तो क्या आ जाएगा ए सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी. ओके नाउ इफ यू सिंप्लीफाई दिस वन व्हाट विल कम, दिस वन वी आर टेकिंग व्हाट एलएचएस. ओके सो एलएचएस इज लेस देन इक्वल टू ओके इफ यू मल्टीप्लाई दिस वन व्हाट विल कम ए बी स्क्वायर प्लस ए बी सी माइनस ए स्क्वायर बी प्लस दिस वन इफ यू मल्टीप्लाई विद दिस वन तो क्या आ जाएगा ए बी सी प्लस बी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी प्लस नाउ ए सी वी आर मल्टीप्लाई विद दिस वन तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर सी प्लस ए बी सी माइनस ए सी स्क्वायर. ओके दिस विल कम. ओके नाउ नेक्स्ट परम्यूटेशन व्हाट वी आर टेकिंग एल एच एस इज लेस देन इक्वल टू नेक्स्ट परम्यूटेशन व्हाट वी आर टेकिंग ओके फर्स्ट बी वी आर मल्टीप्लाई विद दिस वन ओके एंड सी वी आर मल्टीप्लाई विद बी ओके एंड ए वी आर मल्टीप्लाई विद सी. ओके इन नेक्स्ट परम्यूटेशन व्हाट वी आर टेकिंग सी वी आर मल्टीप्लाई विद व्हाट ए तो क्या आ जाएगा ए सी इन ब्रैकेट बी प्लस सी माइनस ए बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी वी आर मल्टीप्लाई विद सी तो क्या आ जाएगा बी सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी प्लस ओके नाउ ए वी आर मल्टीप्लाई विद व्हाट बी तो क्या आ जाएगा ए बी इन ब्रैकेट ए प्लस सी माइनस बी ए प्लस सी माइनस बी. ओके तो यहां से हम बोल सकते हैं एल एच एस इज लेस देन इक्वल टू नाउ ए सी इफ यू मल्टीप्लाई इन साइड सो व्हाट विल कम ए बी सी प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी प्लस इफ यू मल्टीप्लाई बी सी इन साइड सो व्हाट विल कम ए बी सी प्लस बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर प्लस इफ यू मल्टीप्लाई ए बी इन साइड व्हाट विल कम ए स्क्वायर बी प्लस ए बी सी माइनस ए बी स्क्वायर दिस विल कम. ओके दिस इक्वेशन वी आर टेकिंग इक्वेशन नंबर वन एंड दिस इक्वेशन वी आर टेकिंग इक्वेशन नंबर टू. ओके अब हम क्या करें इन दोनों इक्वेशन को ऐड करें तो लेफ्ट हैंड साइड भी आएगा LHS प्लस LHS सो टू टाइम्स LHS लेस देन इक्वल टू राइट हैंड साइड व्हाट दिस वन प्लस दिस वन. ओके सो दिस व्हाट प्लस ए बी स्क्वायर एंड दिस वन इज व्हाट माइनस ए बी स्क्वायर सो गेटिंग कैंसिल. ओके ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी थ्री ए बी सी एंड हियर ऑल्सो ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी सो व्हाट विल कम सिक्स टाइम्स ए बी सी. ओके नेक्स्ट व्हाट माइनस ए स्क्वायर बी एंड हियर ऑल्सो प्लस ए स्क्वायर बी सो दिस वन इज गेटिंग कैंसिल. ओके दिस व्हाट बी सी स्क्वायर ओके एंड हियर ऑल्सो माइनस बी सी स्क्वायर सो दिस वन इज ऑल्सो गेटिंग कैंसिल. ओके नेक्स्ट इज व्हाट माइनस बी स्क्वायर जी एंड हियर ऑल्सो इफ यू चेक प्लस बी स्क्वायर जी सो गेटिंग कैंसिल. ओके नेक्स्ट इज व्हाट हियर ए स्क्वायर सी एंड हियर ऑल्सो माइनस ए स्क्वायर सी सो दिस वन इज गेटिंग कैंसिल एंड हियर इज माइनस ए सी स्क्वायर एंड हियर ऑल्सो प्लस ए सी स्क्वायर सो दिस इज ऑल्सो गेटिंग कैंसिल. ओके सो राइट हैंड साइड व्हाट कम ओनली सिक्स ए बी सी सो वी कैन से दैट एल एच एस इज लेस देन और इक्वल टू थ्री टाइम्स ए बी सी. ओके व्हाट इज एल एच एस एल एच एस व्हाट दिस वन तो यहां से बोल सकते हैं ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस सी माइनस बी प्लस सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी माइनस सी इज लेस देन और इक्वल टू थ्री टाइम्स ए बी सी. ओके दिस वन इज योर प्रूफ यू कैन सी दिस वन एंड दिस वन बोथ आर सेम सो दिस इज योर प्रूफ.